हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमन इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिक्स में हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर मैथ का पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, यूनिट बाय यूनिट, हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे। कौन सा टॉपिक इंपोर्टेंट है, क्या क्या टॉपिक आएंगे, क्या क्या चीज आपको ज्यादा पढ़नी है, क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है, सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। पूरा सिलेबस आपका डिस्कस किया जाएगा, क्या क्या आएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस से कितने चैप्टर हैं और इंटीग्रल कैलकुलस से कितने चैप्टर हैं। वीडियो को पूरा देखना, स्किप बिल्कुल मत करना। तो देखिएगा, हमारे पास में दो चीजें रहती हैं आपका, एक रहती है डिफरेंशियल कैलकुलस और एक होता है इंटीग्रल कैलकुलस। एक आपका डिफरेंशियल कैलकुलस होगा, ठीक है, और प्लस एक होगा आपका इंटीग्रल, इंटीग्रल कैलकुलस। तो हम पहले डिफरेंशियल कैलकुलस को देखेंगे, फिर इंटीग्रल कैलकुलस को देखेंगे, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखिएगा, डिफरेंशियल कैलकुलस में देखिए पहला चैप्टर, अरे ये तो लिमिट, हाँ ये आ गया, पहला चैप्टर है लिमिट। डिफरेंशियल कैलकुलस में चैप्टर नंबर 1 है आपका लिमिट। लिमिट में से आपको देखिएगा, सबसे ज्यादा आपको बस लिमिट करनी है, ठीक है। लिमिट में आपका इसमें से एक सवाल, एक सवाल आपका, एक क्वेश्चन लिमिट का आएगा ही आएगा, 100% लिमिट निकालने के लिए आएगा। नॉर्मली लिमिट क्या है, ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है और राइट हैंड लिमिट क्या होती है, ठीक है। कुछ इंपोर्टेंट लिमिट होती है, सम इंपोर्टेंट लिमिट्स का मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 0, साइन एक्स अपॉन एक्स की जो वैल्यू है वो 1 होती है, ऐसे ही लिमिट कॉस एक्स बट्टे कॉस एक्स, इसकी लिमिट भी 1 होती है, लिमिट एक्स टेंस टू 0, इस तरह की। तो ये आपको इंपोर्टेंट लिमिट आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बस इससे और कुछ नहीं है। यहीं से आपका देखिएगा, इस लिमिट के चैप्टर में ही एक चीज और आएगी आपकी, डिसकंटिन्यूटी। यहां से फिर से समझते हैं, देखिएगा, काइंड्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी के प्रकार, डिसकंटिन्यूटी आपकी 5 प्रकार की होती है, तो उसके बारे में, तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी, तो लिमिट के बारे में, और यहां से देखिएगा ये टॉपिक है आपका कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी क्या होती है उसके बारे में, प्लस डिसकंटिन्यूटी, डिसकंटिन्यूटी क्या होती है। तो तीन टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट बनते हैं, वो मैं फिर से आपको बता दे रहा हूं। एक लिमिट क्या होती है, फिर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के बारे में, फिर आपका कंटिन्यूटी क्या होती है, फिर आपका डिसकंटिन्यूटी क्या होती है और डिसकंटिन्यूटी के प्रकार। यहां से आपका क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, तीनों टॉपिकों पे से क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो यहां से 100% एक क्वेश्चन आएगा। अब आते हैं डिसकंटिन्यूटी, देखिएगा ये दूसरा चैप्टर है आपका यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। यहां से कुछ ज्यादा नहीं आने का है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की परिभाषा आप पढ़ लीजिएगा, इंपोर्टेंट, और एक क्वेश्चन कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, और यहां से एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का एक क्वेश्चन आएगा, जो कि मैंने इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने 4-5 कराए हैं, उन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा। और इसमें ज्यादा टॉपिक में कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना, बस ये आपको पढ़ना है, ये भी कुछ नहीं करना, ठीक है, बस ज्यादा कुछ मत करना, बस इस टॉपिक को पढ़ लो और इस पर आधारित 2-4 क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। चलिए आगा देखिएगा, ये दूसरा, अब तीसरा टॉपिक हमको कहां पे मिलेगा, ये देखिए तीसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर है, ये दिखाई दे रहा है आपको, तीसरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 3, इसको थोड़ा बड़ा कर दें, अरे इसको काटो, कैसे होगा ये, ओके ऑल राइट, ये तो बहुत छोटा हो गया, ये आ गया। तीसरा चैप्टर आप पढ़ लेते हैं, तीसरे चैप्टर में क्या है हमारा, ये देखिएगा, डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, इंपोर्टेंट परिभाषा, इसको याद कर लीजिएगा कि डेरिवेटिव की परिभाषा क्या होती है। और फिर यहीं से डेरिवेटिव की जो परिभाषा पढ़ लेंगे, इस टॉपिक को मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, डिफरेंसिबिलिटी वर्सेस कंटिन्यूटी, डिफरेंसिबिलिटी क्या होती है और कंटिन्यूटी क्या होती है, यहां पर इंपोर्टेंट, और एक यहां से थ्योरम बनती है, थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव्स, और एक फंक्शन बनेगा कि एक फंक्शन आपका यदि कंटिन्यूटी है, कंटिन्यूअस है, तो वो डिफरेंसिबल हो भी सकता है, नॉट, यानी कि कंटिन्यूटी इज नेसेसरी, बस डिफरेंसिबिलिटी नॉट ए नेसेसरी कंडीशन, ठीक है ना। तो ये आपका मतलब एक थ्योरम है जो मैंने कराई थी, तो यहां से एक थ्योरम भी आपको कर लेनी है। कौन सी थ्योरम की बात कर रहा हूं, जब इस चैप्टर को देखोगे आप तो पता चल जाएगा, ठीक है।
और यहां से हाइपरबोलिक फंक्शन से कुछ नहीं आने का है, ये कुछ नहीं, ये कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करने का है यहां से, ठीक है। आपका ये आप पढ़ लीजिएगा, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। और ये पैरामेट्रिक इक्वेशन ये कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, ये भी आप कर लीजिए, लॉग वाले का डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा देखिएगा, चौथा चैप्टर, चौथा चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 4, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होती है? एल हॉस्पिटल रूल के ऊपर सवाल, इन्फिनिटी बट्टे इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बट्टे इन्फिनिटी जब बन रहा है वो, ये सारी चीजें इन पर आधारित क्वेश्चन कर लीजिएगा। यहां से आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं सारे, ये चैप्टर अभी चल रहा है मेरा, ठीक है, लगभग खत्म होने वाला है क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करा चुका हूँ, ठीक है। तो ये वाली जो चीजें हैं इसको याद रखिएगा, आप इसमें से कम दो क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक है। आगे देखिएगा, आगे चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 है रोले एंड मीन वैल्यू थ्योरम। तो रोले थ्योरम इंपोर्टेंट है, लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम इंपोर्टेंट है, कोची मीन वैल्यू थ्योरम आपकी इंपोर्टेंट है, पांचवा हो गया है। पांचवे के बाद में देखिए इसके बचे हुए टॉपिक ये हैं, एक टेलर्स थ्योरम, ये भी इंपोर्टेंट है। बस जितनी थ्योरम मैंने यहां पर टी लिख रखा है ऐसा, वेरी इंपोर्टेंट है, इनको कर लीजिएगा आप। आगे छठा चैप्टर है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में आपका सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है और nth डेरिवेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से इसको कर लीजिएगा। एक लेबनीज थ्योरम, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेबनीज थ्योरम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द, यहां से आपका देखिएगा ये टॉपिक मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, ये मत पढ़ो, बस ये थ्योरम वाला टॉपिक पढ़ लेना और ये पढ़ लेना, ठीक है ना। nth डेरिवेटिव निकालना जरूर सीख लेना, क्योंकि यहां से ये क्वेश्चन nth डेरिवेटिव से 100% आपका आएगा, फाइंड द nth डेरिवेटिव, ठीक है ना, nth डेरिवेटिव निकालना आपको आना चाहिए। फिर आगे आ जाता है सातवां चैप्टर, सातवां चैप्टर है मैकलोरिन एंड थ्योरम, टेलर थ्योरम। मैकलोरिन थ्योरम और टेलर थ्योरम दोनों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से सवाल आएगा 100%, इसको कर लीजिएगा, ठीक है। और कुछ नहीं पढ़ना, और कुछ नहीं पढ़ना, बस मैकलोरिन और यहां से टेलर थ्योरम पढ़नी है। अब ये आठवां टॉपिक, आठवां टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशिएशन, आठवां जो चैप्टर है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो यहां से आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन यानी कि लिमिट एंड कंटिन्यूटी भी पूछ लेता है, और यहां से ये वाला पढ़ो या मत पढ़ो, बस ये आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन कोफिशियंट ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। एक इलर्स थ्योरम ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, वेरी 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 इंपोर्टेंट, 100% ये आएगी पेपर में, 100% ये थ्योरम आएगी ही आएगी। इलर्स थ्योरम ध्यान से समझ लीजिए, इस पर आधारित सवाल या ये फंक्शन आना ही आनी है, ये थ्योरम, टोटल डिफरेंशिएशन कोफिशियंट, और ये मत पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, सेकंड डेरिवेटिव ये जरूर पढ़ लेना, ये उल्टा हम भी लगा दिया, सेकंड दो बार जो अवकलन करते हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ओके। चलिएगा इसके बाद में ये आ गया नौवां चैप्टर, नौवां चैप्टर, ये चैप्टर ही पूरा इंपॉर्टेंट है, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्या है कि टेंजेंट नॉर्मल क्या होते हैं, इनकी परिभाषा इंपॉर्टेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है। मतलब ये है यहां से टेंजेंट निकालने के लिए आएगा और नॉर्मल निकालने के लिए आएगा, प्लस यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा कि देखिएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल फॉर्म, पोलर फॉर्म, यहां से परपेंडिकुलर फॉर्म, फ्रॉम द पोलर ऑन टेंजेंट, पोल ऑन टेंजेंट, पीडल इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, यहां से ये वाला टॉपिक आना ही आना है, पीडल इक्वेशन पे से सवाल आना ही आना है, ठीक है, पीडल इक्वेशन पे से सवाल आना ही आना है, ये समझ लीजिएगा, ठीक है। आगे अगला जो चैप्टर है ये चैप्टर 100% यहां से एक सवाल आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर इंट्रेंसिक इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पीडल इक्वेशन, पोलर इक्वेशन। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग इक्वेशनों में, अलग अलग इक्वेशन होंगी तो अलग अलग इक्वेशन में आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। तो यहां से एक क्वेश्चन
रेडियस ऑफ कर्वेचर से आना ही आना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर से आना ही आना है, 100% एक क्वेश्चन 1000% में कह रहा हूं आएगा। आगे दसवां चैप्टर, दसवां कहां गया दसवां चैप्टर, ओके ये दसवां ही चैप्टर था, ये दसवें के ही कुछ टॉपिक हैं, देखिएगा ये इनसे कुल में रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बता ही दिया है। ये चैप्टर इतना इंपोर्टेंट है नहीं, इनवेलॉप्स और इन लूप्स, ठीक है, इसमें से कुछ ज्यादा नहीं, इसकी परिभाषा ये जरा कर लीजिएगा, यहां से दो चार क्वेश्चन हम कराएंगे तो ये इतना ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये आने चाहिए, तो दो चार क्वेश्चन हम बता देंगे आपको इसमें से निकाल। एसिम्प्टोट्स, ये चैप्टर इतना, ये भी इतना ज्यादा खास इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें से दो तीन सवाल यहां से बनेंगे, नॉर्मल वाले एसिम्प्टोट्स की परिभाषा और नॉर्मल एसिम्प्टोट्स आपको आना चाहिए। नॉर्मल एसिम्प्टोट्स, नॉर्मली जो एसिम्प्टोट्स निकालते हैं वो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आपका जो चैप्टर है ये उसके लिए इंपोर्टेंट है, किसके लिए, जब कर्व ट्रेसिंग करेंगे उसके लिए, ठीक है। अब ये सिंगुलर पॉइंट, ये बस इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सिंगुलर पॉइंट कैसे निकलते हैं, नॉट ए इंपोर्टेंट, ठीक है, ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वाला कर्व ट्रेसिंग वेरी इंपोर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। कर्व ट्रेसिंग एक कार्टेशियन फॉर्म में, पैरामेट्रिक और पोलर फॉर्म में तीन तरह के आएंगे, और इसमें से दो दो तीन तीन चार चार सवाल मैं आपको कराऊंगा, तो यहां से आना ही आना है, इंपोर्टेंट कर लीजिएगा। अब आते हैं हम इंट्रीगल कैलकुलस, अभी तक जो चल रहा था 13 चैप्टर, देखिएगा डिफरेंशियल कैलकुलस से आपके 14 चैप्टर, डिफरेंशियल कैलकुलस से कितने चैप्टर, 1 से लेकर 14, 14 चैप्टर तो इसमें हो गए डिफरेंशियल कैलकुलस में। इंटीग्रल कैलकुलस में कितने चैप्टर हैं, देखिएगा डिफाइन इंटीग्रल्स और लिमिट, ये तो इसमें इंटीग्रल्स की परिभाषा ज्यादा कुछ नहीं करना है बस, ठीक है। आगे ये रेमेंस इंटीग्रल क्या होता है, इसकी परिभाषा बस, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। एक फंडामेंटल थ्योरम होती है इसकी, वो इंपोर्टेंट है, वैसे इंपोर्टेंट यही है, रेमन इंटीग्रल क्या होता है ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। आगे आ जाते हैं आपका डिफ्रेंसिएशन एंड इंट्रीगेशन, ठीक है ना, तो इंट्रीगेशन आपको यहां पर ये परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, यहां से कुछ इम्प्रॉपर इंट्रीगल्स आपको पता होनी चाहिए, तो ये कुछ यहां से इंट्रीगेशन आपसे यहां से पूछेगा, तो एक क्वेश्चन यहां से बनेगा 100%, वो मैं अलग, ऐसा है ना, इसमें टॉपिक तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट चीज जब मैं कराऊंगा तब आपको बता दूंगा। अब आते हैं इम्प्रॉपर इंट्रीगल्स एंड डेयर कन्वर्जेंस, इसकी क्या है, देखिएगा कुछ इंपोर्टेंट इंट्रीगल्स होते हैं और उनके कुछ डायरेक्टली कुछ थ्योरम टाइप का एक बनता है, तो वहां से कुछ सवाल आते हैं, वो आपको पता होना चाहिए, तो प्रॉपर इंट्रीगल्स और इम्प्रॉपर इंट्रीगल्स इंपोर्टेंट है, ये कर लीजिएगा। आगे आपका कन्वर्जेंस ऑफ इनप्रॉपर इंट्रीगल्स ये क्या होते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। बाकी कंपेरिजन टेस्ट, कंपेरिजन टेस्ट आपको इंपोर्टेंट, ठीक है, म्यू टेस्ट, आप ये जितने भी टेस्ट हैं सब इंपोर्टेंट हैं, इनको कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखिएगा बीटा फंक्शन, बीटा फंक्शन इंपोर्टेंट है, केवल यहां से बीटा फंक्शन, गामा फंक्शन और इनका मान निकालना आप सीख लीजिएगा, यहां से इस तरीके का क्वेश्चन आपका बनता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आता है रेक्टिफिकेशन, लेंथ ऑफ ए कर्व कैसे निकालते हैं कार्टेशियन, तो लेंथ ऑफ ए कर्व इंपोर्टेंट है, तो ये आपको आनी चाहिए, ठीक है। आ गए वॉल्यूम और सरफेस ऑफ ए रिवॉल्यूशन, यहां से ये क्वेश्चन बनेगा 100% इंपोर्टेंट, तो वो कहां से बनेगा वो जब मैं पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, ठीक है। मल्टीपल इंटीग्रल, मल्टीपल इंटीग्रल दो बार इंटीग्रल आप देखोगे तो ये आना चाहिए, यहां से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मल्टीपल इंटीग्रल से, ठीक है। और ये इतने ज्यादा इंपोर्टेंट है नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ये वाली थ्योरम आती है, कभी कभी, नॉट ए इंपोर्टेंट, बट ये कर लीजिएगा, तो 8 चैप्टर ऊपर वाले इंपोर्टेंट हैं, तो यानी कि 14 प्लस 10, इसमें टोटल मिलाकर 24 चैप्टर हैं, 24 में से 5 से 6 चैप्टर ऐसे हैं जो कि इंपोर्टेंट नहीं है दोनों किताबों से मिलाकर, तो लगभग लगभग आपको 18 चैप्टर पढ़ने हैं, 18 में से भी कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहां से सवाल आना ही आना है 100%, कुछ ऐसे नॉट ए इंपोर्टेंट बट पढ़ने हैं, ठीक है। तो टोटल मिला के पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया है, तो इन दोनों किताबों से मिलाकर आपका 75 नंबर का पेपर आएगा, 25 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, ठीक है,
समझ में आई बात? नहीं आई, वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।